सो भाई लोगों अपनी ईवो MP5, ईवो फार्मर्स ड्रैगन एनिमेशन इमोट पार्टी इवेंट ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हम सभी को अपने इंडियन सर्वर के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि क्यों ये सारे इवेंट्स हम सभी को भाई लोगों अपने इंडियन सर्वर के अंदर देखने को क्यों नहीं मिल रहा, जबकि काफी सारे न्यू इवेंट्स टॉपअप इवेंट्स वगैरह तो हम सभी को अपने इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये सारे इवेंट्स हम सभी को क्यों नहीं देखने को मिल रहे हैं इसके बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। और साथ ही मैं बताने वाला हूं क्यों अपना फ्री फायर प्ले स्टोर के अंदर हम सभी को नहीं देखने को मिल रहा और कब तक देखने को मिलने वाला है। सो वीडियो को भाई लोगों लास्ट तक जरूर से देखना क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है। आप सभी को तो पता है वो कितना टाइम हो चुका है यार, फ्री फायर प्ले स्टोर के अंदर आया ही नहीं, तो कब तक आएगा इसी के बारे में आज की ये वीडियो होने वाली है। और आपके भाई लोगों कमेंट भी काफी ज्यादा आ रही थी कब हम सभी को गेम के अंदर न्यू अपडेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। तो भाई लोगों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाले बटन को भी प्रेस करके और जरूर से सेट कर देना। सो गाइस यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी कि अपने गेम के अंदर हम सभी को ईवो MP5, ईवो फार्मर्स, इमोट पार्टी इवेंट और ड्रैगन एनिमेशन जैसे इवेंट क्यों देखने को नहीं मिल रहे, जबकि हम सभी को अपने ये सारे इवेंट्स अपने बांग्लादेश सर्वर के ऊपर तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडियन सर्वर के अंदर ही क्यों नहीं देखने को मिल रहे। तो गाइस यार इसका मैं आप सभी को रीजन बताने वाला हूँ, लेकिन आप सभी को तो पता ही होगा कि यार अपने गेम के अंदर कितने सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हाल फिलहाल में आ रहे हैं, जैसे कि टॉप अप इवेंट हो गए नए नए और भी काफी सारे वेब इवेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, जैसे कि BTS वाला भी इवेंट हम सभी को देखने को मिला। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये BTS का कोलैबोरेशन एक मेगा कोलैबोरेशन था, सिर्फ और सिर्फ इतने कोलैबोरेशन नहीं होता अगर फ्री फायर बैन नहीं होता अपने इंडियन सर्वर के अंदर, तो हम सभी को अभी तक अपना BTS का कोलैबोरेशन चलता हुआ देखने को मिलता। हाँ गाइस यार मेरे को पता आप सभी को इसके बारे में जरा भी नहीं पता है, क्योंकि काफी सारे सर्वर्स के अंदर मैंने चेक किया है तो BTS का कोलैबोरेशन काफी बड़ा कोलैबोरेशन हुआ है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि यार अपने McLaren का जो कि कोलैबोरेशन आया था, जिसमें हम सभी को काफी सारे स्किन्स वगैरह देखने को मिले थी कार की, उसका भी एक फोटो शूट हुआ था, तो इसी टाइप का भी यार अपना एक बड़ा सा कोलैबोरेशन BTS से था, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कोलैबोरेशन बनके रह गया क्योंकि अपना फ्री फायर अपने इंडियन सर्वर के अंदर बैन है। इसीलिए हम सभी को बड़े बड़े इवेंट्स वगैरह अभी भी देखने को नहीं मिल रहे। और आप सभी को पता होगा आजकल भाई लोगों काफी रेयर बंडल हम सभी को अचानक से रिटर्न के अंदर देखने को मिल जाते हैं बिना किसी लीक्स एंड अपडेट्स के। यार भाई अचानक से कोई भी यहाँ पर हम सभी को इवेंट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, रेयर बंडल भी रिटर्न में आ जाते हैं यार। तो यार इसी के बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ पूरा का पूरा सीन क्या चल रहा है। भाई लोगों आप सभी को तो पता ही है कि जैसे कि अपनी ईवो की फार्मर्स होगी कितने टाइम से होल्ड हुए पड़ी है, उसी के साथ साथ ईवो MP5 और ड्रैगन एनिमेशन अपने अदर सर्वर यानी कि भाई लोगों अपने बांग्लादेश सर्वर के अंदर आ चुका है, लेकिन अभी तक अपने इंडियन सर्वर के अंदर क्यों नहीं आया। तो गाइस यार मैं आप सभी को सिंपल बताता हूँ, जो डाटा माइनर्स ने बताया उसी के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। अपनी ईवो MP5 और भाई लोगों अपनी ईवो की फार्मर्स हम सभी को गेम के अंदर इसलिए नहीं देखने को मिल रही है क्योंकि अपने फ्री फायर के अंदर काफी कम टॉप अप हो रहा है, टॉप अप की काफी ज्यादा समस्या आ रही है, आप सभी को तो बताइए होगा यार। तो भाई लोगों इसी वजह से यार आपने अगर मान लो कि अपने गेम के अंदर ईवो फार्मर्स या ईवो MP5 आ जाती है तो निकाल तो बंदे लेंगे, लेकिन उसको मैक्स करने में आप सभी को पता ही कितने ज्यादा डायमंड लग जाते हैं यार। तो गाइस यार कोई भी ईवो गन मैक्स करने में काफी ज्यादा डायमंड लगते हैं, इसीलिए फ्री फायर अभी अपने गेम के अंदर कोई भी ईवो का वेपन नहीं दे रहा है, ये खुद अपने डाटा माइनर्स ने बताया। भाई लोगों यही कारण है अपने को हम सभी को इस टाइम पे अपनी ईवो फार्मर्स और ईवो MP5 जैसी गन नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि बंदे निकाल तो लेंगे लेकिन उसको मैक्स करने में काफी ज्यादा डायमंड लग जाते हैं। और आप सभी को पता होगा आज के टाइम पे काफी सारे ऐसे बंदे हैं जिन्होंने टॉप अप करना छोड़ दिया, और भाई लोगों मैंने भी लिटरली एकदम टॉप अप करना बंद कर दिया क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है फ्री फायर का कि कब बैन हो जाए, इसलिए अपने इंडियन सर्वर के अंदर अभी के टाइम पे फ्री फायर ज्यादा इवेंट्स वगैरह नहीं ला रहा है। तो गाइस यार यही रीजन था कि अपने गेम के अंदर क्यों ये सारे इवेंट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे। तो भाई लोगों उम्मीद करता हूं ये तो आप सभी को पता चल गया होगा कि ये सारे इवेंट्स वगैरह क्यों नहीं आ रहे। तो चलते बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, यानी कि भाई लोगों आखिरकार हम सभी को अपना फ्री फायर प्ले स्टोर के अंदर कब तक देखने को मिलेगा, लिटरली कितना टाइम हो चुका है आप सभी को भी पता है कि आखिरकार अपना फ्री फायर अभी तक प्ले स्टोर के ऊपर आया नहीं है तो कब तक देखने को मिलेगा इसके बारे में भी भाई अभी तक कोई भी डिटेल्स वगैरह नहीं निकली है। लिटरली अगर कोई न्यू इवेंट्स वगैरह आने वाले होते हैं तो उसके बारे में तो डाटा माइनर्स मॉडरेटर्स वगैरह सब हर कोई बता देता है, लेकिन भाई लोगों अभी तक यार इतना पता नहीं चल रहा कि फ्री फायर कब तक हम सभी को प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। तो भाई लोगों मैं तो आप सभी को यही सजेस्ट करूंगा कि गलती से भी अपना फ्री फायर डिलीट मत कर देना, क्योंकि डाउनलोड करने में काफी ज्यादा आप सभी को फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो गाइस यार अभी तक लिटरली मैं आप सभी को बता रहा हूं कि यार भाई कुछ भी यहां पर पता नहीं चला है कि कब तक हम सभी को अपना फ्री फायर प्ले स्टोर के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे इसके बारे में कुछ भी पता चलता है तो मैं आप सभी को बता ही दूंगा, लेकिन भाई लोगों मैं आप सभी को यह भी बात बताना चाहूंगा अभी के टाइम पे भाई लोगों आप सभी को काफी सारी ऐसी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसमें बताया जा रहा है कि आज फ्री फायर आने वाला है, कल फ्री फायर आने वाला है, लेकिन मैं आप सभी
को बता दूं कि यार अभी तक कोई भी लीक्स एंड अपडेट्स निकल कर नहीं आई है कि कब तक हम सभी को फ्री फायर रिटर्न में देखने को मिलने वाला है, तो ऐसी वीडियोस के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। तो गाइस यार जैसे ही अगर मान लो फ्री फायर रिटर्न में आने वाला होगा तो सबसे पहले आप सभी को मैं ही बता दूंगा। तो भाई लोगों आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप सभी को वीडियो थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, साथ ही में बेल वाले बटन को प्रेस करके और में जरूर से सेट करके जाना ताकि आप सभी को फ्री फायर के रिलेटेड सारी की सारी रियल वीडियोस मिलती रहे, सारे के सारे रियल डिटेल्स मिलते रहे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।